तो मुख्यमंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, डीजीपी किसका है, चीफ सेक्रेटरी क्या है? वो लोग सब चूड़ियां पहन रखे हैं क्या? हिम्मत है तो कार्रवाई करके देखो, बीजेपी विधायक और संघ पे जो दोषी है उसको कार्रवाई करो ना भैया। तो सत्ता पक्ष के लोग हैं तो हिम्मत आपके अमला जमा किसके पास है? गृह विभाग आपके पास है ना, हिम्मत नहीं है कार्रवाई करने की? नीतीश कुमार का ये ऑफिशियल पेज है जिसमें उन्होंने रमजान के मौके पर किस प्रकार से सैकड़ों शब्दों में शुभकामना दी है, और वही रामनवमी का अवसर है, एक दिन पहले 20 शब्द भी नहीं मिल पाए। यानी 80% आबादी को शुभकामना देने के लिए आपके पास 20 शब्द नहीं मिल पाए मुख्यमंत्री जी, और 20% आबादी को शुभकामना देने के लिए आपके पास सैकड़ों शब्द हैं। यानी राज्य का मुख्यमंत्री ही जब तुष्टिकरण की राजनीति पर उतर जाए तो उसका अमला जामा, उसके अधिकारी पदाधिकारी क्या करेंगे? वो लोग भी उसी रास्ते चल पड़े हैं। जो व्यक्ति के यहाँ घर जल रहा है, जो व्यक्ति का दुकान जल रहा है, उस पर FIR हो रहा है। शब्दों से क्या दर्शाया जाएगा? शब्दों से स्पष्ट दिख रहा है कि मुख्यमंत्री की मानसिकता किस प्रकार से है। वो मानसिकता है, जब मानसिकता ही तुष्टिकरण की होगी तो न्याय भी उस तुष्टिकरण का ही होगा ना। जिस पर जिसके घर जल रहे हैं उसी पर FIR, जिसके दुकान जल रहा है उसी पर FIR, तो दिख रहा है ना आरोप। तो मैं तो कह रहा हूँ कि आरोप हम पर है ना, बीजेपी RS पे। तो मुख्यमंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, DGP किसका है, चीफ सेक्रेटरी क्या है? वो लोग सब चूड़ियां पहन रखे हैं क्या? हिम्मत है तो कार्रवाई करके देखो, बीजेपी विधायक और संघ पे जो दोषी है उसको कार्रवाई करो ना भैया। तो सत्ता पक्ष के लोग हैं तो हिम्मत आपके अमला जमा किसके पास है? गृह विभाग आपके पास है ना, हिम्मत नहीं है कार्रवाई करने की? क्योंकि आपके पास साक्ष्य नहीं है, आप केवल राजनीति कर रहे हैं। कार्रवाई करिएगा तो आपके लोग जेल के अंदर होंगे, ये स्थिति है। इसीलिए तो मुख्यमंत्री का मुख्य सचिव और DGP जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो कोई बात का जवाब नहीं दे पा रहा है। अरे मैं तो वही बोला कि अरेस्ट किसको किया जा रहा है? जिसके घर जले हैं, जिसके दुकानें जली हैं, उसी को अरेस्ट कर रहे हो? यानी जो अपराधी है वो मैदान में खुल रहा है, नीतीश कुमार के दरबार में घूम रहा है, और जो बेचारा विक्टिम है जिसको घर जल गए उसको जेल भेजने का तैयारी कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से तुष्टिकरण की राजनीति कर रहा है, बंगाल को बिहार के इस रास्ते पर ले जाने का प्रयास है जो लालू ने 90 से 2005 में किया था। जंगल राज नीतीश कुमार आज उसी जंगल राज के परिचायक बन गए। नीतीश कुमार का ये ऑफिशियल पेज है जिसमें उन्होंने रमजान के मौके पर किस प्रकार से सैकड़ों शब्दों में शुभकामना दी है, और वही रामनवमी का अवसर है, एक दिन पहले 20 शब्द भी नहीं मिल पाए। यानी 80% आबादी को शुभकामना देने के लिए आपके पास 20 शब्द नहीं मिल पाए मुख्यमंत्री जी, और 20% आबादी को शुभकामना देने के लिए आपके पास सैकड़ों शब्द हैं। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।